कंडीशन लग रहे हैं। और ये देखिए, ये है अलाउ, ओके। ये देखिए पूरा ब्लैक स्किन होकर रखा है, देखिए कुछ नहीं काम कर रहे, ओनली सामने वाला फेस। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को क्लियरली एक बात सबसे पहले बता देता हूँ भाई, आप जो भी फ़ोन लो ले लो, बट पोको का फ़ोन कभी भी लेना ही नहीं। इन चुतियों ने मेरा फ़ोन को पूरी तरीके से ख़राब कर दिया अपडेट देके। अभी चलते हैं चुतिया का सर्विस सेंटर पे और आप लोग को दिखाता हूँ कैसे पिक करता है और क्या क्या उन लोग बताता है मेरे को, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इसी वीडियो पर। जो लिखे हो आप लोग को बताता हूँ, इधर लिखे है मेरा नाम है सैकत दास, मेरा पोको X2 खुद की मर्जी से सर्विस सेंटर से ले रहा हूँ। बाद में पोको X2 में कोई प्रॉब्लम आ गया तो इसके लिए सर्विस सेंटर पे कोई लेना देना नहीं है, ये सब मेरे से लिखा गया। लिखने के बाद मेरे को मेरा पोको X2 दे दिया था। गाइस, चुतिया का फोन कभी भी लेना नहीं। मेरा ये फोन परचेस करके बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, आप लोग को दिखाता हूँ। ये जो पोको चुतिया है, ये एक नंबर का चुतिया है, कभी भी लेना नहीं ये फोन। गाइस, ये है मेरा पोको फोन, मैंने पूरा का पूरा रिसेट करके रखा है फोन। और आप लोग को दिखाता हूँ कैमरा पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जिसके कारण से मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए कितना अच्छा फ़ोन है, कंडीशन देखिए पूरा न्यू कंडीशन लग रहा है। और ये देखिए, ये है अलाउ, ओके। ये देखिए पूरा ब्लैक स्क्रीन होकर रखा है, देखिए कुछ नहीं काम कर रहे, ओनली सामने वाला फेस ही काम कर रहे है। और पीछे जो जब एक्सेस खोलने के लिए देता हूँ तब काम ही नहीं कर रहे, देखिए क्या हो रहा है, देखिए कुछ काम नहीं कर रहे। ये देखिए कैमरा पूरी तरह से क्रैश हो गया, और एक बार दिखा तो आप लोगों को, ये देखिए पोर्ट्रेट पे गया, क्या गया था कैमरा की स्टॉपिंग, रिपोर्ट करने के लिए बोल रहे हैं, साला एक नंबर का चूतिया है। ये मेरा पोको X2 का प्रॉब्लम के लिए मैंने एक यूट्यूबर को भी मैसेज किया था ट्विटर पे, उन्होंने किया रिप्लाई आया, वो सब वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे पता चलेगा। और आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।